गाइस, मैं हूं अमित और आज मैं बैठा हूं हॉट सीट पर। जी नहीं, आज मैं बैठा हूं टॉयलेट सीट पर, जो कि एक्चुअली में काम नहीं करती है। मतलब काम तो करती है पर हमने इसको काम पे लगा नहीं रखा है। ये जो टॉयलेट सीट है ये आप देख सकते हो इस तरीके से है और एकदम नई सीट है। इसको कभी किसी ने यूज नहीं किया और ना ही कभी कोई इसको यूज कर पाएगा, क्योंकि भैया आज हम इस टॉयलेट सीट के अंदर लगाने वाले हैं फूलझड़ी। अब आप सोच रहे हो कि भाई फूलझड़ी से क्या होगा, तो भैया आइडिया कुछ ऐसा है कि ये सिरेमिक की बनी होती है और जब सिरेमिक को हीट किया जाता है अनइवनली तो वो जो है बर्स्ट कर सकता है, हो सकता है वो टूट जाए। तो ऐसा ही कुछ सोच करके हमने सोचा कि क्यों ना इसमें फूलझड़ियां लगा दी जाए, क्योंकि फूलझड़ी बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट होंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर है फूलझड़ी का पैकेट, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इस पूरे डब्बे के अंदर 5 डब्बे हैं, हर एक में 10 हैं तो 50 होगी, 50 से कुछ नहीं होगा। हमारे पास है पूरी 1000 फूलझड़ियां यहाँ पर और आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब 1000 फूलझड़ियां इसके अंदर जा करके जलने वाली हैं अभी आपके सामने। अगर जरूरत पड़ी तो 1000 से बड़ा भी दी जाएंगी अगर उसमें कम पड़ गई तो। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है टॉयलेट सीट का हाल। आप लोग कर दीजिए वीडियो के लिए लाइक फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। एंड डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। गाइस, हम लोग टॉयलेट वाली वीडियो शूट कर रहे थे और यार बीच में आ गई बारिश, आधे लोग भग गए और हमारे पास ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा मिला, इसके नीचे ही हम लोग घुसे हुए हैं। यहाँ पे जो है तंबू तान रखे हैं, क्या करें भाई, क्योंकि बिल्कुल खेत के बीच में है जो है, अगर घर तक जाएंगे तो वैसे जो है भीग जाएंगे। अब इसके अंदर घुसे हुए यार हमको 1 घंटा हो गया, बारिश आए जा रही है, आए जा रही है। अबे बस ठीक है, पोते झिल रहे, घुस जा अंदर, आ जा। अबे आ जा यार, आ जा। पांच लोग बच गए हम, बाकी 5 लोग भाग गए उस टाइम पे। अरे ठीक है बस। तो भाई आप देखो, हमको ये नहीं पता कि वीडियो अभी शूट हो पाएगी या नहीं, तो देखते हैं। अगर आज दिन छिपने से पहले ये बारिश रुक गई तो बनाएंगे, नहीं तो हमने सोचा आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स दिखा दें, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही अलग हो गया था, ऐसा कभी नहीं होता। पर ये छोटी सी ऐसी पन्नी है, इधर से खींचते हैं, देखो यहाँ इधर निकल रही, इधर से खींचते तो उधर से उड़ जाती है, देखो उधर से खींचते तो इधर से उड़ जाती है। तो गाइस फाइनली 1 घंटे से भी ज्यादा के बाद में बारिश रुक चुकी है और हम वापस से काम पे आ गए हैं। अभी अंधेरा होने में थोड़ा टाइम है, तो मुझे लगता है कि अंधेरा होने से पहले अगर हम फूलझड़ियां लगा लें तो मजा आएगा, सीन मस्त आएगा। तो यहाँ पर फटाक से जो फूलझड़ियां हैं इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके अंदर सीधा जो फूलझड़ियां हैं वो डालना स्टार्ट करते हैं और सबसे अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको मुर्गा बोलते हैं, मुर्गे के अंदर जो है घुस चुकी हैं। तो भाई यहां पर पता है 1000 फूलझड़ियां लग चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन जो पूरी शीट है उसमें अभी भी जगह रह गई। तो अब 1000 से ऊपर आएंगी और ये जो है 1000 से प्लस वाली है, 1000 इसमें लग चुकी है। हम और ले आए हैं भाई, क्योंकि इसको पूरा भरना था, अंदर से भरना स्टार्ट किया था और आप लोग देख सकते हो कि अब ये जो है कैसे फंसने लगे। मुझे लगता है इसमें 200-300 आराम से और आएंगी। तो भाई फाइनली ये जो शीट है ये भर चुकी है, आप लोग देख सकते हो अब ये जो है किस तरीके की दिख रही है। और इसके अंदर हमको लगभग 1400 फूलझड़ी डालनी पड़ी है, 1500 की क्लोज ही है। तो आप देख सकते हो लगभग 1500 फूलझड़ियों में जाकर के ये फिल हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत गैप है लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा। तो अब लगाते हैं इस पे आग, एकदम बढ़िया मौसम है, थोड़ा सा अंधेरा और होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लुक आता है और इस शीट का क्या होता है जब पूरी 1500 फूलझड़ियां, थोड़ी सी कम मान लो, वो जलेंगी इस सिरेमिक टॉयलेट सीट के अंदर। और ऐसा कुछ भी प्लीज प्लीज ट्राई मत करना। तो भाई फाइनली बढ़िया मौसम हो चुका है इस पे आग लगाने का, इसी में से एक फूलझड़ी निकालूंगा, इसके ऊपर आग लगाऊंगा और इसी से सब में आग लगाऊंगा फिर, और देखते हैं क्या होता है। तो भाई सब कुछ एकदम रेडी है, लगाते हैं आग। इसमें छोड़ के चला गया ब्राइटनेस, ओ तेरी वो, ओ तेरी, अबे कहाँ पहुंच गया वो,
ओ टूट गया, वो 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 अबे यार धुआ इसकी। गाइस देखो एक बार, इतना तेज गर्म है ये अभी भी, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी आ रही है, बहुत ज्यादा। आप देखो इसका कलर से आपको अंदाजा लग रहा होगा। हाय साहब, जैसे ही आग लगी, आग इतनी ऊपर तक गई पहली बात, और दूसरी बात उसने इतना जल्दी मतलब विद इन 5 to 10 seconds को तोड़ दिया। और यार वो कहते हैं ना कि साइंस जो है वो हर जगह काम करता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, तो वही कुछ यहाँ पर हुआ है जैसा हमने सोचा था। अभी मैं आपको इसका रीजन भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये टॉयलेट सीट यहाँ पर टूट गई है, क्योंकि सिरेमिक तो काफी हाई टेम्परेचर सह लेता है, तो अब इसने क्यों नहीं सहा, उसके कारण की भी बात करेंगे। लेकिन अभी पहले आप ये देखो, और इसको टच तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इतना गर्म है, मैं हाथ यहाँ नहीं ले जा सकता, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म है। और देखो कितने टुकड़े हो गए यार इसके, और तेरी चारों तरफ जो है ये फैल गया है। और भाई इस लोहे की डंडी से इसको हटाऊं, भाई ये चिपक गई, और तेरी सारी फूलझड़ी आपस में चिपक गई है। देखो इनका मसाला आपस में मिल गया है और अंदर से एकदम लाल है बट हट नहीं रही है। देखो इतनी गर्मी निकल रही है यार, क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा गर्म है, अंदर लोहा गर्म है, देखो लोहा लाल हो रखा है, और इसका ये जो जला हुआ मसाला है ये किस तरीके से हो रखा है देखो, और जो टॉयलेट सीट है वो भी आप देख सकते हो, इस टॉयलेट सीट के भी 50 टुकड़े हो चुके हैं, कुछ भी सही नहीं बचा है। देखो हर जगह से टूट चुकी है, ये हिस्सा बच गया, इसके अंदर फूलझड़ियाँ नहीं थी, मतलब यहाँ से टूटा है ये और यहाँ से टूटा है, लेकिन ये बचा है, और ये इसका नीचे का बेस जो है उसके भी टुकड़े हो गए हैं, ऊपर का तो कुछ जो है नामोनिशान है ही नहीं कि कहाँ पर क्या था, और फूलझड़ियाँ आपके सामने हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या सोच के हमने एक्सपेरिमेंट किया था। बात कुछ ऐसी है, आपको ये पता होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है, जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है उसका साइज बढ़ता है, बेसिक साइंस का ये नियम है। साइंस की बुक्स में भी होता है कि भाई सर्दियों के टाइम में जो तार हैं वो छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में बड़े हो जाते हैं, सड़क जो है वो टूट जाती है गर्मियों में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। जो टॉयलेट सीट सिरेमिक की बनी होती है, देखो सिरेमिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ झेल सकता है, बहुत ज़्यादा वजन झेल लेता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर झेल लेता है, लेकिन जब सिरेमिक को गर्म किया तो कोई भी मटेरियल की तरह वो भी फैला, लेकिन जहाँ फूलझड़ी थी वहाँ से गर्म हुआ, और जहाँ फूलझड़ी नहीं थी वहाँ गर्म नहीं हुआ, तो एक तरीके से अनइवन हीटिंग हो गई, हीटिंग एक साथ नहीं हुई, और उस अनइवन हीटिंग की वजह से अनइवन एक्सपेंशन हुआ, कहीं से ज़्यादा बढ़ा कहीं से कम बढ़ा। और इतना कठोर इतना ठोस चीज़ होती है ये कि जब ये बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे साइड इलोंगेट नहीं होता, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती रबर की तरह, तो ये टूट जाता है, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, ये टूट ही जाएगा। तो वही हुआ, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये टूट गया, और पूरी स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, ये पार्ट जो है इसका, ये मुर्गा जिसको बोलते हैं, ये जरूर जो है बचा है, क्योंकि ओ तेरी इतना गर्म है इस साइड से, ये इसलिए बचा है क्योंकि इसके अंदर फूलझड़ियां नहीं थी, और इसके अंदर जो है वो अनइवन एक्सपेंशन नहीं हुआ क्योंकि इतना गर्म ही नहीं हुआ। सब कुछ आपके सामने, सब कुछ साइंस के ऊपर काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। प्लीज इस वीडियो में दिखाई किसी को रिपीट मत करना, मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, कम से कम हमारी मेहनत के लिए कर देना यार। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए, फेसबुक पर फॉलो भी हमको कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, नई नई अपडेट्स वहां पर, नई नई फोटोज आती रहती है, अपनी फैमिली है थोड़ा सा वहां भी बढ़ाओ यार। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।